क्या 26 साल पहले दावोस में बोफोर्स का सच दबाने की बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस की सरकार में रची गई थी? जी न्यूज के इस खुलासे पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जो हर मामले पर ट्वीट कर सवाल पूछते हैं, वो अब खामोश क्यों हैं? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राजीव गांधी सरकार से अब तक कांग्रेस बोफोर्स घोटाले मामले में फंसी हुई है। आपको बता दें कि कल जी न्यूज के नंबर वन शो डीएनए में हमने खुलासा किया था कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने दावोस जाकर वहां के विदेश मंत्री से न सिर्फ बंद कमरे में अकेले में मुलाकात की, बल्कि बोफोर्स तोप को लेकर स्विस खातों में दर्ज नामों को सार्वजनिक नहीं करने के लिए भी कहा था। जैसे जिस प्रकार का खुलासा कल आपने डीएनए में किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। बोफोर्स को लेकर हमने देखा है कि राजीव गांधी जी के समय से ही कांग्रेस पार्टी किस प्रकार उसमें घिरी हुई है। माधव सिंह सोलंकी जो उस समय के एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो जाके दावोस में, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में आइडिया ऑफ इंडिया को बढ़ावा दिया है, वहीं जाके वो आइडिया ऑफ इंडिया को माधव सिंह सोलंकी जो है वो घटा रहे थे। उन्होंने एक लिफाफा सौंपा था उस समय स्विस अथॉरिटीज़ को कि इस पूरे मसले पर कोई जाँच ना हो। और याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से अधिकारी भेजे थे लंदन में, जो बोफोर्स के अकाउंट्स थे, क्वात्रोची के जो अकाउंट्स थे, जो बोफोर्स का मेन किंगपिंग था, उसको डिफ्रीज किया जाए। क्वात्रोची किसके परिवार के नज़दीक था, यह सब विषय हम जानते हैं। पूरे मसले पर कोर्ट में भी अभी सुनवाई चल रही है, जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर बोफोर्स को लेकर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का राज कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी अब अध्यक्ष हैं, बोफोर्स का धब्बा उनके ऊपर भी रहेगा जब तक ये खुलासा पूरा नहीं होता है। देखिए, राहुल गांधी जी को इस पूरे मसले पर ट्वीट करना चाहिए, वो तो हर विषय पर ट्वीट करते हैं। तो बोफोर्स में किस प्रकार से उनकी परिवार का जो सदस्य थे वो लोग खुद सम्मिलित थे, इस पूरे मसले पर राहुल जी को भी बोलना चाहिए।